एक शाम परवीर मेजर शैतान सिंह के नाम कवि सम्मेलन आज होगा आयोजित। फलौदी के मेजर शैतान सिंह नगर में कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूर्ण। परमवीर मेजर शैतान सिंह की पुण्यतिथि अवसर पर क्षेत्र के निकटवर्ती गांव शैतान सिंह नगर में आज एक शाम परमवीर चक्र सहित मेजर शैतान सिंह के नाम कवि सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न वीर रस के कवि अपनी प्रस्तुतियां देंगे। कार्यक्रम आयोजनकर्ता विक्रमादित्य सिंह सेलू बन्ना, आमला जिला परिषद सदस्य जोधपुर एवं भाजपा जिला अध्यक्ष मनोहरलाल पालीवाल ने बताया कि परमवीर मेजर शैतान सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके देश पर हुई बलिदान की याद में उनके पैतृक गांव शैतान सिंह नगर में आज शाम 18 नवंबर 2022 शुक्रवार को स्थान मेजर शैतान सिंह नगर लोहाउट में एक शाम परमवीर चक्र शहीद मेजर शैतान सिंह जी के नाम काव्य संध्या का कार्यक्रम आयोजन होने जा रहा है। आयोजन समिति के चेलू बन्ना आमला ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गजन सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री भारत सरकार होंगे। मेजर शैतान सिंह जी की पुण्यतिथि 18 नवंबर को है और उस पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में वीर रस के जो कवि उनका कवि सम्मेलन रखा गया है, उनकी जन्मस्थली जहाँ उनका जन्म हुआ मेजर शैतान सिंह नगर, जो कि उनके नाम से गांव है, पहले उस गांव का नाम बाणासन था, वहाँ पर कल 18 तारीख को शाम को 6 बजे काव्य संध्या का आयोजन है। विशाल काव्य संध्या है, राष्ट्रीय स्तर के कवि आएंगे और उसके अंदर हमारे जल शक्ति मंत्री भारत सरकार के जो दूसरी सांसद हैं वो मुख्य अतिथि के रूप में और संसद के रूप में हमारे बीच में वहाँ रहेंगे और हमारे जिलाध्यक्ष महोदय, हमारी पूरी भाजपा की टीम और समस्त शहीद प्रेमी जो राष्ट्र भावना से ओतप्रोत कार्यक्रम है और सभी को सुनने का और इस पूरे संभाग में मेरे हिसाब से पहली बार कवियों राष्ट्रहित में शहीदों के सम्मान में इतना बड़ा कवि सम्मेलन पहली बार होने जा रहा है। तो सभी क्षेत्रवासियों से हमारे पूरे आयोजनकर्ता टीम की तरफ से अपील है कि आप पधारें। काव्य संध्या के लिए आमंत्रित कविगण विनीत चौहान, अशोक चारण, प्रियांशु गजेंद्र, गौरव चौहान, संजय झाला, साक्षी तिवारी के साथ जगदीश सोलंकी सहित कई स्थानीय कवि भी अपनी गरिमा में उपस्थिति दर्ज करवाकर विभिन्न प्रस्तुतियां देंगे। इसमें सबसे पहले तो मेरे छोटे भाई और मेरे संगठन के साथी और सहयोगी विक्रमादित्य सिंह जी और उनकी पूरी टीम राजेंद्र सिंह जी, गजेंद्र सिंह जी को धन्यवाद देता हूँ कि जो सीमांत क्षेत्र में शहीदों के सम्मान के लिए और एक उनके गाँव में संगोष्ठी आयोजित की है और उसके साथ में यहाँ के सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने गुजरात चुनाव में इतने व्यस्त कार्यक्रम में समय निकाल के वो पधार रहे हैं और उनकी भी हार्दिक इच्छा है कि इस सीमांत क्षेत्र में अपने जिले में आदरणीय परमवीर शैतान सिंह जी की आदरांजलि के रूप में लोग उनको समझे और जो उन्होंने वीरता भारत चाइना युद्ध में दी और उसके बाद में तत्कालीन सरकार ने उनको परमवीर चक्र दिया, उनका भी सम्मान होता है। लेकिन नई पीढ़ी को भी जानकारी दी किस परिस्थिति में उन्होंने युद्ध में करा, किस परिस्थिति में काम किए, तो आधुनिक ऐसे वीर पुरुष को भी एक आदरांजलि और श्रद्धांजलि का कार्यक्रम होगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी संगठन की तरफ से आपके माध्यम से पूरे क्षेत्र की जनता को अनुरोध करता हूँ इस नंबर को कि आप अधिकतम भागीदारी उसमें सुनिश्चित करें और जिससे जोधपुर जिला और फलौदी का मान और सम्मान बढ़े और एक वीर पुरुष के प्रति अपना आदर भाव प्रकट कर सकें।